अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। सेवन में आपका स्वागत है, मैं हूं फातिमा शेख। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सरावस्ती में महागठबंधन प्रत्याशी राम शेरोमणि वर्मा 5,320 वोटों से जीते। पहले नंबर पर गठबंधन प्रत्याशी राम शेरोमणि वर्मा को मिले वोट 4,41,771। दूसरे नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी दद्दन मिश्रा 4,36,551 वोट। तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को मिले वोट 58,042। बलरामपुर से अमित कुमार की रिपोर्ट। आज श्रावस्ती लोकसभा का मतगणना बहुत सुचारू रूप से संपन्न कराया गया और मैं सबसे पहले इस श्रावस्ती की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से गठबंधन को जिता करके और श्रावस्ती की जनता ने विश्वास किया है उस पर हम हमेशा श्रावस्ती जनता के साथ खड़ा उतरने का काम करेंगे। प्रायोरिटी सर, पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी जिले की? तो बाद अब वो चीज़ें जो है अभी हम लोग का सर्टिफिकेट मिला है, बाकी तो आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि प्रतिनिधि बनने के बाद जो सेवा होनी है, क्योंकि आज जो हम लोगों को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का प्रत्याशी बना करके श्रावस्ती की जनता के बीच में मुझे चुनाव लड़ाया गया, मैं श्रावस्ती की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां की जनता के विकास के मामले में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने पाएगी। जितना मेरा प्रयास होगा मैं पूरा करने का काम आऊंगा। सांसद जी, प्रमाण पत्र मिलने में इतना विलम्ब हुआ क्या कारण था? अब आप सभी लोग इस बात को जान रहे हैं कि जिस तरीके से भाई मैं सरलता के साथ हमारे सभी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी गठबंधन के लोग बड़ी सरलता के साथ मतगणना कराने का काम किए हैं और शासन प्रशासन ने इस बात को यह जान रहा है कि मेरी सरलता के साथ मैंने कहीं किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं कराया और मैं जिस तरीके से अब कुछ लोगों ने कराया होगा उनकी जिम्मेदारी बनती है, गठबंधन की जिम्मेदारी नहीं बनती। फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज़ 7 में इतना ही। और भी ताज़ा खबरें जानने के लिए